इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। देता है अगर कहीं अमेरिका के अंदर मुसलमान कत्ल हों, इसका शिकार हों, तो कहा जाता है कि जो मुलजिम है वो ज़ेहनी मरीज़ था। इस ट्रक ड्राइवर के बारे में भी अभी से ये बहस मगरबी मीडिया में शुरू हो गई कि वो ज़ेहनी मरीज़ था। मुसलमान अगर कहीं ऐसा कोई इकदाम करते हैं तो वो दहशतगर्द करार पाते हैं और ये लोग ज़ेहनी मरीज़ करार पाते हैं। ये फ़र्क क्यों है और आखिर इसका इलाज क्या है, किस तरीके से हम इन वाक़यात पर कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारा मौजू। और साथ ही एक आज वाक़या हुआ है, फ्रांस के सदर को भी थप्पड़ पड़ गया। किन हरकतों की वजह से थप्पड़ पड़ा, उस पर भी डिस्कस करेंगे। साथ ही एक अहम इशू है, वो है CIA के इस खित्ते के बारे में डिज़ाइंस कि क्या मंसूबा है और पाकिस्तान उनके रास्ते में किस तरह रुकावट बनकर खड़ा है। और साथ ही जिक्र होगा सिंध और वफाक की लड़ाई का कि आखिर वज़ीर आला सिंध को वफाक से शिकायत क्या हैं, इस पर करेंगे गुफ्तगू। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानेब। और यह साहब, इस्लामोफोबिया जो है एक लफ्ज़ तो हमने बार बार सुना, लेकिन तकरीर भी होती हैं, इस पर तजावीज़ भी दी जाती हैं कि भाई ये क्या है, इसको किस तरीके से हम ठंडा कर सकते हैं, लेकिन ये मामला बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरी बात सुने, पाकिस्तान का मीडिया आप देख रहे हैं, इससे सिर्फ एक सेकंड कम का भी वाक्या अगर होता ना, एक सेकंड का वाक्या मतलब सिर्फ एक खातून को थप्पड़ पड़ा होता यूरोप के अंदर और किसी मुसलमान ने मारा था या पाकिस्तान के अंदर किसी को अब्रास नामी में पकड़ के सिर्फ जेल में बंद किया होता, पाकिस्तान का ये दो नंबर जो है ना पिका हुआ हमारा दानिश्वर उस सुबह से लेकर शाम तक चला रहा होता। 5 इंसान मरे हैं। सूरत हाल यह है उस्मान साहब कि फोबिया वहां होता है कि मैंने किसी के घर पे हमला किया, उसके आबाजदाद को मारा, कत्ल किया, उसके कुछ लोग जिंदा रह गए, उन्होंने आगे जाकर सोचा कि यार ये देखो मेरा बाप, या मैंने किसी का घर कब्जा किया, जमीन कब्जा किया। कौन सा मुसलमान है जो यूरोप और कनाडा पे जाके हमलावर हुआ इंसानी तारीख, किस मुसलमान ने उनकी आबरू रेजी की, किस मुसलमान ने जाके फ्रांस के अंदर, बेल्जियम के अंदर, जर्मनी के अंदर, अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर जाके लोगों के घर उजाड़े, आग लगाई। एक इंसिडेंट नहीं, स्पेन का छोटा सा इलाका बनता है और वो भी स्पेन और बर्बर की, मैं तारीख बता सकता हूं, पुरानी फाइट चली आ रही थी। वो हमेशा उनको सारासेन और बर्बर जी कहते हैं, मुसलमानों की फाइट ही नहीं कहते अभी कभी भी। ये इंसिडेंट जो हुआ है छोटा इंसिडेंट नहीं, पुलिस की रिपोर्ट कहती है कि नथेनियल वाल्टरमैन जो है ये वो शख्स है, लड़का जिसके 3 चीजें हमें इसके अंदर मिली हैं कि मर्डर वॉज प्लान्ड, जिसे कहते हैं कि एक ऐसा मर्डर जिसके साथ बकायदा मंसूबाबंदी की गई हो। अब मंसूबाबंदी 2-3 वजह से होती है, या तो आपने किसी से बदला लेना हो, या आपकी उससे कोई मतलब दुश्मनी इस किस्म की लेवल की हो कि उसने कोई आपका जाती मामला उलझन हो, या तीसरा ये होता है कि आपको कोई जज्बाती किस्म की सूरत हाल हो तो आप उसमें आते हैं। दूसरा वो कहते हैं प्री मेडिटेटेड, मेडिटेशन कहते हैं किसी शख्स को एक तवील अरसे से कहानियां सुना सुना के, ये तेरे दुश्मन है, कल को तुम पे हमला कर देंगे, कल को तुमको मार देंगे, कल को तुम, ये तुम्हें बाइबल कहती है जाकर इनको कत्ल कर दो, ये तुम्हें जीजस कहता है जाकर इनको कत्ल कर दो, ये एंटी क्राइस्ट है, ये सारा कुछ इनको मार। और तीसरा होता है कि इस प्री मेडिटेशन की बुनियाद पे मोटिवेशन निकलती है, ये पुलिस की रिपोर्ट इस अभी आने से बारे में ये कहती है। और अब इस कंट्रोवर्सी को ऊपर करने के लिए उन्होंने इसको निकाला है कि इसके अंदर जो है ये ज़हनी खराबी की वजह, ये सारी मोटिवेशन प्री मेडिटेशन प्लानिंग जो है ये बेसिकली स्किज़ोफ्रेनिया है, और स्किज़ोफ्रेनिया की बुनियाद पर यह चीजें होंगी। नहीं, इनका तो ज़हनी मरीज निकल आते हैं, उस्मान साहब सोसाइटी ज़हनी मरीज है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और नबूवत के बाद जब आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए तो आपके पर्दा फरमाने के 8-10 साल के बाद दमिश्क में एक इनका बहुत बड़ा पादरी था जिसको कहते हैं जॉन ऑफ डमस्कस। इस शख्स ने कोई और काम नहीं किया, सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गलीज जुबान के अंदर बायोग्राफियां लिखनी शुरू की, आपकी तालीमात को बकायदा मस्क करना शुरू किया।
और उस मस्त करने की तालीम के हो जाए कि उससे कुछ मखतूते जमा कर दिए जिनमें रसूलुल्लाह की जाती जिंदगी के बारे में कीचड़ उछाला गया, जिनमें से कम कीचड़ नौजबुल्ला यह था कि आपने अपनी एक मालदार औरत शादी की और उसका पैसा वैसा खा लिया और ये औरत बात ने पछताते नौजबुल्ला ये बात थी। दूसरा वो चीज़ है कि जिसके बारे में इन लोगों की यूनिवर्सिटियों में अभी तक पढ़ाया जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो एपिलेप्सी जो थी उनको होती थी, उनको फिट्स पड़ते थे नौजबुल्ला, और एपिलेप्सी की आज भी जो पढ़ते हैं साइकोलॉजी के लड़के या साइकेट्री के लड़के कि जनाब एपिलेप्सी की हिस्ट्री क्या है, तो चंद बड़े नामों में से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी पढ़ते हैं। लेकिन इसका इलाज क्या है, ये तो वो पढ़ाते रहे हैं, लेकिन अब जब उस्मान साहब आप मैं उसका इलाज हूं ना, मैंने खड़ा कर आप मुझे बताइए क्या ये पांच बंदे ये इंसान नहीं है, ये पाकिस्तानी नहीं है, बस सैयद अफजल जो है 46 साल का ये इंसान नहीं है, ये मदिया सलमान इंसान नहीं है, ये यमुना जो इंसान नहीं है, ये इनकी 74 साल की माँ इंसान नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान। तो गाइज़ ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो गाइज़ ये था वो परिवार जिसको मतलब आपने जो सुना वो कनाडा में हुआ था हमला, और शायद अभी एक न्यूज़ आ रही है कि इनमें से जो इनका सबसे छोटा बच्चा है वो बस बचा है, तो अब देखते हैं शायद वो बच जाए। गाइज सबसे पहले तो इस परिवार को भावपूर्ण श्रद्धांजलि, इन बेचारों की कोई भी गलती नहीं है, हालांकि अब हो सकते हैं इनके विचार जो भी हों, लेकिन इस तरीके से किसी को भी मारना बहुत गलत है, जो कि पश्चिमी देशों में खासकर होता है साउथ एशियन लोगों के साथ। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को मारा जाता है, अभी हाल ही में अमेरिका में सिख कम्युनिटी के लोगों को मारा गया, और ये आज से नहीं हो रहा, ये काफ़ी लंबे समय से हो रहा है। इंडियंस को भी बहुत मारा जाता है, कुछ साल पहले आपको न्यूज़ आती रही होगी इंडियंस को ऑस्ट्रेलिया में बहुत मारा जा रहा है, तो ये होता है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं इनके साथ ये बाहर होता है, और ये मतलब आज से नहीं, ये बहुत साल पहले से होता आ रहा है, आपको भी पता है। स्पेशली सिख कम्युनिटी के तो कई बार मुसलमान समझकर मारा गया है, उनकी दाढ़ी की वजह से उन्हें समझा कि ये मुस्लिम है, और उस वजह से वो लोग मतलब इन चीज़ों का शिकार हुए हैं। और स्पेशली ये मुस्लिम के खिलाफ तो आपको पता है क्यों हो रहा है, ये सब 9/11 के बाद हुआ है मुस्लिमों के खिलाफ, एक अलग टाइप की जो मतलब लोगों के अंदर स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जो हेट्रेट आई है। तो गाइज मैं यहाँ पर इस टॉपिक को बात नहीं कर रहा हूँ, इस परिवार को मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। मतलब डेफिनेटली अगर कोई मतलब आपके जैसे दिखने वाले लोग, आपके जैसे भाषा बोलने वाले लोग अगर वो रोते हैं तो उनके मुँह से भी माँ निकलता है, मतलब इमोशन आपके जैसे हों तो अगर वो किसी की भी दर्दनाक मौत हो तो बुरा लगता है। तो गाइज़ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ ओरिया मकबूल जान की। तो आप देख रहे हो ओरिया मकबूल जान, मतलब इस टॉपिक को आराम से मतलब वो अलग तरीके से डिस्कस कर सकता था, और कनाडा एक ऐसा देश है जहाँ कनाडा मतलब जो दूसरे पश्चिमी देशों के अलावा बहुत मतलब इंटॉलरेंट कंट्री, और स्पेशली पाकिस्तानी और इंडियन तो वहाँ पर मतलब थोक के भाव से पहुँचे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं इंडिया के, तो स्पेशली सिख कम्युनिटी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुत बड़े नंबर पे है, मतलब आपको भी पता है कि सिख लोग कनाडा में बहुत सारे मतलब बहुत सारे लोग हैं। तो कनाडा एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर आप उसको डायरेक्ट इस्लामिक फोविक और ये और वो मतलब यहाँ ओरिया मकबूल जान क्या बोल रहा है, मतलब बाइबल को बोल रही है, बाइबल में लिखा है इनको मारो वो मारो, मतलब ये अपने आप को आईना दिखा रहा है। बेसिकली ये चीज़ लिखी कहाँ है सबको सब कुछ पता है कहाँ लिखी है, और ये जिहाद वगैरह की बातें ये ओरिया मकबूल जान बहुत ज़्यादा करता है। आपने अगर इसके पुराने वीडियो देखे होंगे तो ये तो इस तरीके की बातें कर चुका है कि कुरान हदीस में लिखा है कि इंडिया की तबाही मतलब हिंदुस्तान भारत की तबाही करेगा चीन, हालांकि उस वीडियो को मैंने अपलोड करते हुए ये भी बोला था कि हो सकता है करेगा ऐसा लिखा हो, क्योंकि चीन घुसा हुआ है पाकिस्तान में, पाकिस्तान पुराना हिस्सा था हिंदुस्तान का भारत का, और चीन पाकिस्तान की तबाही करेगा, तो शायद उस बात का कनेक्शन कुछ कुरान में लिखा हो, मैंने इस तरीके से कोट किया था, हालांकि ऐसा कुछ लिखा भी नहीं होगा, ये लोग ऐसे ही मिस कोट कर करके भड़काते हैं लोगों को, ये चीज़ें होती हैं पाकिस्तान में, बहुत मिस कोट किया जाता है, आपको भी पता है गाइस। तो यहाँ पर ये आप देखिए किस तरीके की बात कर रहा है, और ये दिन भर हनूद और हिंद मतलब वो कोई है ना यहूद हनूद की साजिश, इस तरीके की चीज़ें लिखी हैं कि ये क्रिश्चियन हमारे मुस्लिम के दोस्त ही नहीं हो सकते, यहूदी दोस्त ही नहीं हो सकते, काफिर से दोस्ती मतलब वो काफिर से दोस्ती ही नहीं करना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें ये दिन रात करते रहते हैं, और काफिर देशों में जाकर फिर इनके लोग बैठते हैं, अब वहाँ पर ऐसी चीज़ें होती, आपको भी पता है हिंदुस्तान में कितने सारे क्राइम होते हैं, अब इन क्राइम में बेसिकली ऐसा तो है नहीं कि एक क्राइम में मतलब दो लोगों की फ़ाइट हो रही है, अब दोनों लोगों का धर्म अलग अलग है, तो अगर एक का माइनॉरिटी वाला है और गलती से वो दोनों की दुश्मनी होगी पर्सनली वो मर गया, तो यहाँ पर ऐसा होता है कि वो जानबूझकर उसे मार दिया गया, हिंदुस्तान में ये है वो है ऐसा होता है।
तो गाइस सिचुएशन आपको भी क्लियर हो गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर ये कनाडा को मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कनाडा एक बहुत इंटॉलरेंट कंट्री है और कनाडा में बेसिकली ऐसा होता नहीं है। तो अब होगा किसी सरफरे ने किसी ने अब क्या सोच के किया होगा या पागल होगा वो कर दिया होगा, तो ये लोग अब पूरे कनाडा को ही टारगेट कर रहे हैं। मतलब ये मतलब जिनके घर खुद के शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते, वो इस तरीके की बातें नहीं करते कि बाइबल में लिखा है कि ये एंटी क्राइस्ट है, ये वो है, ये फलाना है, ये ठिकाना है। आपको पता है कि आपका घर शीशे का है, आप तो मतलब अभी अहमदी किसी अहमदी की कब्र थी, कब्र के मतलब उसे दफना दिया गया था, वहाँ पर पाकिस्तान में मतलब जो मुस्लिम है सुन्नी मुस्लिम उन्होंने अटैक करके उसकी कब्र को तोड़ा और उस कब्र से मतलब उसे निकालने की कोशिश की मुर्दे को कि तुमने यहाँ पर सुन्नी कब्रिस्तान में ये अहमदी जिसे पाकिस्तान में मुसलमान भी नहीं समझा जाता उसे तुमने कैसे दफनाया। इस तरीके की चीज़ें मतलब मरने के बाद तो ऐसा अगर हिंदुस्तान में होता तो औरंगजेब की कब की मतलब कब्र जो औरंगाबाद में है वो सिख लोग शायद हटा देते, उनके तो गुरुओं को मारा था ना, वो गुस्से में आके निकाल देते। इतना इंटॉलरेंट नहीं है इंडिया। तो गाइज ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। और एक बार फिर उन परिवार बेचारों की कोई गलती नहीं थी, उनके चेहरे देखकर डेफिनेटली बुरा लगा कि उनको ऐसा कैसे मार दिया। मतलब अब इसके पीछे स्पेशली वजह तो कुछ सामने नहीं आ रही है। अभी जो मीडिया सोर्सेज हैं या जो पाकिस्तान के मीडिया सोर्सेज हैं वो तो ये कह रहे हैं मुस्लिम होने की वजह से मारा।